हे हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? तो एक बार फिर से स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में। तो ये व्लॉग आज का यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और घर थोड़ा अस्त व्यस्त पड़ा है क्योंकि अभी हम लोग आज कहीं बाहर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आपको धीरे 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 पता चल जाएगा। तो फाइनली बड़ी मेहनत करने के बाद हमने बैग वैग तो ये पैक हम किए निकल और गए फाइनली हैं। ये देखिए हम निकल चुके हैं, ऑन द वे हैं टू मुंबई एयरपोर्ट टर्मिनल 2। फ्लाइट हमारी रात की 12:30 की है लेकिन हम लोग ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। एक्चुअली हमें निकलना था 7:30 बट अभी फ़िलहाल 8:15 हो चुके हैं और हम अब निकले हैं। बच्चे हैं छोटे तो थोड़ा सा पैकिंग वैकिंग करने में, छोटे बच्चे जिसके पास हैं तो सभी को पता है कि फिर चीज़ें मैनेज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और मेरी बेटी जिसमें से थोड़ी ज़्यादा ये है, शैतानी करती है। और इस वक्त हम हैं गोरेगांव में और आप ये देख रहे हैं गोरेगांव का बहुत ही फेमस मॉल है ओबराय मॉल। एक्चुअली हम जहाँ से निकले वहाँ तो बारिश थी नहीं बट यहाँ फाइनली गोरेगांव पहुँचते पहुँचते काफ़ी तेज़ मूसलाधार बारिश होने लगी और जो कि दिल को बहुत ही सुकून देती है क्योंकि ये जो सीज़न है ये सबसे मेरा फेवरेट सीज़न है। तो हम ये एयरपोर्ट रोड में एंटर हो चुके हैं। तो चलिए जाते हैं मुंबई एयरपोर्ट टर्मिनल 2 जो कि आप बिल्कुल सामने देख पा रहे हैं और फिर आपको बताते हैं कि एग्जैक्टली मैं जा कहाँ रही हूँ। मतलब मैं बताऊँगी नहीं, आप लोग देखते जाइए और आगे आगे समझते जाइए कि मैं जा कहाँ रही हूँ। तो आर यू गाइज एक्साइटेड? माई फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप एज आई एम सो मच एक्साइटेड, जो कि मैं आपको बता भी नहीं सकती कि मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तुम्हारी जी क्यों लग और जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स मुंबई से नहीं हैं तो मैं उन लोगों को भी दिखा देना चाहती हूँ कि मुंबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पे एक लोधा की गाड़ी खड़ी थी तो मेरा बेटा देखते ही बोलता है देखो लोधा लोधा। और ये किला छुपा छुप का टाइम है जिसे देखकर बच्चे बहुत ही खुश हो गए और बहुत एंजॉय किया। बच्चों ने भी साथ में हम बड़ों ने भी बहुत एंजॉय किया, उसके साथ पिक्चर की और काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा था और वो भी बहुत अच्छे से हमारे साथ पिक्चर क्लिक करवा रहा था। और फाइनली सजना है मुझे विदेशवा के लिए तो अब मैं इस तरीके से अपने बाल ठीक करते हुए सज रही हूँ क्योंकि मैं विदेश जा रही हूँ। ये देखिए मैं एक व्यू में एयरपोर्ट भी दिखा रही हूँ आपको। फिर उसके बाद हम सबको भूख लग गई तो थोड़ा सा फ्रेंच फ्राइज बर्गर वगैरह खाया और उसके बाद निकल गए बोर्डिंग के लिए क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका था। और ये हम एंटर कर रहे हैं फ्लाइट में और फाइनली बोर्डिंग करके बैठ गए हैं। अगेन मैं सज रही हूँ बालों को अपने ठीक करते हुए, बाल हमेशा मेरे बिखर जाते हैं। और अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, ये देखिए ये है मुंबई की नाइट लाइफ जिसका व्यू आप देख रहे हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा होगा। और अगर आप इसे उल्टा कर देंगे तो आपको लगेगा कि बहुत सारे तारे आसमान में टिमटिमा रहे हैं। अरे वेट वेट वेट, मोबाइल को सीधा करिए क्योंकि अभी आपको आगे की जर्नी भी तो देखनी है। और ये आ गई सुबह, तो सुबह का व्यू तो इतना ही प्यारा था कि मैं तो देखती रही। फाइनली हम लैंड हो चुके हैं वियतनाम, वियतनाम की सिटी हनोई। ये वियतनाम की सबसे फेमस सिटी है। फिर हमने कलेक्ट किए अपने लगेज, उसके बाद हम सीधा एयरपोर्ट से बाहर निकल गए अपनी बस की तरफ जहाँ पे हमारी टूर गाइड चेरी हमारा वेट कर रही थी। फिर हमने अपने आप को लोड किया बस में और हम निकल गए। टोटल हम 22 लोग हैं, 8 फैमिलीज विथ किड्स और हम निकल गए हैं घूमने वियतनाम। सुपर एक्साइटेड, और आप लोग भी हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये बस निकल चुकी है, बहुत ही प्यारा व्यू है, ग्रीनरी देखिए आप और काफ़ी अट्रैक्टिव है, रोड्स बड़े क्लीन हैं यहाँ के। और बस आप यहाँ पे देखते रहिए यहाँ की जो ग्रीनरी है और यहाँ का अच्छा सा इंफ्रास्ट्रक्चर।
ये आ गए हैं हम हमारा ब्रेकफास्ट करने, और ये एक इंडियन रेस्टोरेंट है। देखिए सामने लगी है प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी की फ़ोटो, जो देख के मुझे बहुत ही खुशी महसूस हुई। फिर उसके बाद सभी ने ब्रेकफास्ट किया, बच्चे भी थोड़े थके थके थे, मुंह बना के बैठे थे, और हमने काफ़ी अच्छा ब्रेकफास्ट था, साउथ इंडियन था, इडली था, छोला भटूरा, मेंदू वड़ा, सब कुछ था। उसके बाद हम निकल गए अपने फर्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो कि है यहाँ का बहुत ही फेमस पगोड़ा, जिसके बाहर ये देखिए कितनी प्यारी सी लेक है, उसके सामने ही काफ़ी सारी चीज़ें लोग खरीद रहे थे, पर हम तो अंदर एंटर हो गए। काफ़ी अट्रैक्टिव था यार, व्यू तो एक नंबर था, मतलब देख के ही खुश हो गए हम, वाव। तो जब हम वहाँ से निकले थे तो हमें कहा गया था कि आप है ना USD लेके जाओ, क्योंकि यहाँ की जो करेंसी है, यहाँ का जो डॉन है, वो आप बहुत ज़्यादा कैरी नहीं कर सकते। वो बहुत बड़ा, मतलब कैसा है कि अगर आप ब्रेकफास्ट करने गए तो मे बी वो लाखों में हो सकता है, अगर आपने शॉपिंग की तो वो करोड़ों में भी जा सकता है। ये देखिए यहाँ, तो अब ये हम एंटर हो गए हैं पगोड़ा में, और ये बिल्कुल सामने आप जो देख रहे हैं ये है स्तूपा। तो हमारे गाइड ने हमें जैसा कि इन्फॉर्मेशन दी है, तो उनके हिसाब से यहाँ पे बुद्धा की रेलिक्स रखी हुई हैं, जिसे हम इंडिया ने गिफ्ट किया था वियतनाम को, और ये यहाँ की अगरबत्ती है, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही थी मुझे, तो मैंने उसका वीडियो बना दिया। और अरे वाह, ये क्या लगा हुआ है यहाँ पे, कौन सा फ्रूट है, आई डोंट नो कि ये क्या फ्रूट है यार, बट बड़ा प्यारा लग रहा है, देखो यहाँ पे तो पक गए हैं, बड़े बड़े हो गए हैं, वाओ सच अ ब्यूटीफुल, नाइस वन। इधर देखो, इधर देखो, अलग कंट्री है, चलो यहाँ चलो, कम कम है। और क्या कहना चाहती हो, कैसा लग रहा है तुमको यहाँ पे आके, बहुत अच्छा लग रहा है, आज ही आ जाए, आज ही आए, ये देखो ये धूपबत्ती है, स्टाइलिश। हमने यहाँ पे काफ़ी यूनिक चीज़ें देखी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सबसे अच्छा मुझे ये लगा यहाँ पे कि हमने देखा बोधिसत्व। बोधिसत्व ये जो पेड़ है, ये है पीपल का पेड़, इसकी एक शाखा हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट ने दी थी वियतनाम को। ये वही पेड़ है जिसके नीचे गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और यहाँ से हम सीधे निकल के पहुँचे वियतनाम के प्रेसिडेंशियल हाउस में, जो कि आप बिल्कुल मेरे सामने देख पा रहे हैं उनका फ्लैग, और ये है वियतनाम के प्रेसिडेंट का घर और उसका एडजॉइनिंग एरिया। सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक वाओ वाओ वाओ, पूरे रास्ते में करती रही वाओ वाओ वाओ। और अब यहाँ से हम सीधे पहुँचने वाले हैं द फेमस वायरल ट्रेन स्ट्रीट, जो कि आप बिल्कुल मेरे सामने देख रहे हैं। ये एक लोकल ट्रेन का ट्रैक है, जिसके दोनों तरफ पहले सिर्फ घर हुआ करते थे, फिर बाद में धीरे धीरे लोगों ने इसे बना लिया अपना बिजनेस। तो दोनों साइड में यहाँ पे लोगों ने हर एक घर, यहाँ पे रेस्टोरेंट है जहाँ पे टी, कॉफ़ी, जूसेस। वैसे एज अ इंडियन, जब आप ट्रैक देखते हैं तो आपको क्या याद आता है, सुबह का टाइम, हल्की हल्की धुन, और आपके हाथ में एक बैग, और आप ट्रेन पकड़ने जा रहे हैं। वैसे आपने जो सोचा ना, वो भी बिल्कुल सही है। तो इस वक्त यहाँ पे इतनी ज़्यादा अफरा तफरी मची हुई है कि आप देख पा रहे हैं कि बैठने की जगह नहीं एडजस्ट हो रही है, क्योंकि आने वाली थी ट्रेन, ट्रेन जैसे ही आने वाली होती है तो यहाँ जो आगे ये लोग टेबल वेबल लगाते हैं टी, कॉफ़ी, चाय वगैरह रखने के लिए, वो सब उन्होंने हटा दिया। और ये देखिए बिल्कुल सामने से आ गई है ट्रेन, और जैसे फटाफट ये ट्रेन निकली, बिल्कुल इसी तरह फटाफट निकल के हम पहुँच गए हैं सिल्क फैक्ट्री में। और ये जो है धागों से कढ़ाई कर रहे थे, हैंड वर्क है, इतना प्यारा प्यारा हैंड वर्क किया था उन्होंने, और काफ़ी सारी पेंटिंग्स बना के रखी हुई थी, हमने काफ़ी कुछ देखा वहाँ पे, काफ़ी वहाँ पे ड्रेसेस भी थी।
यहाँ पे सबने अपने अपने हिसाब से शॉपिंग कर लिया, जिसको जिसको जो जो लेना था। उसके बाद सीधा यहाँ से निकल के पहुँच गए हम लंच करने। लंच में हमारे पास तो आज के लंच में है टमाटो सूप, राइस, मंचूरियन ग्रेवी और आलू मटर गोभी की सब्जी इज हैविंग सेम। तो लंच हमने एक इंडियन रेस्टोरेंट में किया। उसके बाद हम सीधा आ गए हमारे होटल, जहाँ पे हमने किया सबसे पहले चेक इन, क्योंकि हम सवेरे से जब से फ्लाइट लैंड हुई है हम सिर्फ घूम ही रहे थे और हमने रेस्ट कहीं नहीं लिया। ये हम होटल में पहुँच गए हैं और टोटल हमने 2 रूम्स लिए थे, तो क्योंकि शायद यहाँ पे छोटे रूम्स हैं तो सिर्फ 2 लोग ही अलाउड हैं, तो इसलिए एक रूम बच्चों का और एक हमारा। तो ये जो हमारा है फर्स्ट रूम है, काफ़ी अच्छा है, डिसेंट सा लगा मुझे। और आके बड़ा ही हम लोग एकदम आराम से बैठ गए, क्योंकि इतना थक गए थे कि क्या ही बताएं। सामने से व्यू भी बड़ा प्यारा है। तो दूसरा हमारा एक और रूम है जो कि है ये, कंबल भी दिए। द सेकेंड रूम इज वेरी नाइस। यहाँ पे काफ़ी अच्छा फ्रिज रखा हुआ है। आपको बाथरूम में तो दिखाना चाहिए। हाँ वेट वेट वेट, वो सबसे अच्छा पार्ट है। तो ये व्यू है, बेड एज इट इज सेम, यहाँ का ड्रेसिंग ऐसा है, बाथरूम। और ये ज़रा पास मत जाओ। व्हाय? ये आई एम नॉट टचिंग दैट। तो यहाँ पे बाथरूम में है जकूजी। सो दिस इज 602। बाथरूम के नहीं, बाथरूम ये है जकूजी और ये है शावर लेने के लिए। नाइस। तो ये हेलो एवरीवन, तो अभी हमारा गुड मॉर्निंग हो गया है। अभी हम लोग इतना थक गए थे ट्रैवलिंग और फ्लाइट में, फिर उसके बाद हमारा 2 बजे का चेक इन था, तो हम लोग होटल में और हमने रेस्ट किया। फिर अब हम लोग रेडी हो रहे हैं। नाउ इट्स 6, शाम के 6 बज चुके हैं और उन्होंने 6:30 बोला था नीचे आने के लिए सबको, तो बस अब रेडी हो रहे हैं और रेडी हो के निकलने वाले हैं। तो यहाँ के लोकल्स में मार्केट वगैरह में जाएंगे, अभी देखते हैं और कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो अभी हम लोग आए हैं वियतनाम, दिस इज शू स्ट्रीट। तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे ब्रांडेड शूज़ का कॉपी मिल जाएगा, कभी रीजनेबल रेट में, ऐसा हम लोग को पता चला, हमारे गाइड ने बताया है। तो लेट्स सी वेदर। वापरेला बैग्स मम्मी का फ्रिज बैग ने। ये प्रकाश भाई आने का ऐसा भूख गया लग रहा है, ढूंढ ही तो रहा है भाई। पहले वो ढूंढो, बाकी सब पे बाद में। अपन शूज लेना ही नहीं हमको, ये वाले शूज नहीं लेने, ये मॉल से लेंगे। अच्छा वाले, ये दूर से सिर्फ अच्छा दिखता है भाई। हमने थोड़े बहुत शॉपिंग कर ली, जिसको जिसको जो जो लेना था ले लिया। और हमारे जो गाइड है उन्होंने बोला था इस पर्टिकुलर प्लेस पे आके खड़े हो जाना, तो हम आके खड़े हुए। तो हमने देखा कि यहाँ पे स्ट्रीट पे डांस हो रहा है और वो लोग इतना एंजॉय कर रहे थे, इतना मतलब कोई शर्म नहीं। जैसे कि हम लोग इतना ऐसे कोई बोले स्ट्रीट पर डांस कर लो तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा, बट वो लोग तो एकदम मस्त एंजॉय कर करके डांस कर रहे थे, बहुत ही मज़ा आया। तो अगेन हम आ गए हैं एक इंडियन रेस्टोरेंट में, इंडिया गेट नाम है इस रेस्टोरेंट का। और ये इंडियन पिक्चर्स लगी हुई थी यहाँ पे, और हम आए यहाँ पे डिनर करने के लिए। चलो चलो,
काफी अच्छा प्लेस था। और ये देखिए ये फोटो देख के आपको कुछ याद आएगा कहाँ गए वो दिन। ये फोटो बहुत ही वायरल फोटो है, हमने ज़्यादातर इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे ये फोटो बहुत बार देखी थी मैंने, तो बहुत ही बार देखी थी। और उसके बाद फिर हमने यहाँ पर डिनर किया। तो ये है हमारा डिनर, आलू गोभी की सब्जी है, मिक्स सब्जी है, दाल राइस है, नान है, और ये है चिली पनीर। डिनर करने के बाद हम सीधा होटल गए क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग हमें बहुत जल्दी उठना था ट्रिप के लिए। ये ब्लॉग यहीं पे एंड होता है। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय बाय।